बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खातून एक मौलाना साहब के पास गई और बोली, मौलाना साहब मुझे कोई ऐसा तावीज़ लिख दें कि मेरे बच्चे रात को भूख से ना रोया करें। मौलाना साहब ने उसे तावीज़ लिख दिया। अगले ही रोज़ इनके सहन में किसी ने रुपयों से भरा हुआ थैला फेंका। इस खातून के शौहर ने वो थैला उठाया और एक दुकान किराए पे लेके अपना कारोबार शुरू किया। अल्लाह ताला ने कारोबार में बरकत डाली और एक दुकान से कई दुकानें हो गई, पैसे की रेल फेल शुरू हो गई। एक दिन खातून की नज़र उस पुराने संदूक पर पड़ी जिसमें उसने उस तावीज़ को महफूज रखा था। जाने मौलाना साहब ने इस तावीज़ में क्या लिखा था। तजस्सुस के आलम में उसने तावीज़ को खोला। तावीज़ में लिखा हुआ था, जब पैसे की रेल पेल शुरू हो जाए तो सारा पैसा तिजोरी में डालने के बजाय चंद ऐसे घरों में फेंक देना जहां रात को बच्चों के रोने की आवाज़ आती हो। जज़ाकअल्लाह।